हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज सुबह मैंने जो क्यू एंड ए वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि लास्ट वीक मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया था आकाश कुमार के तरफ से कि भाई कोई भी अगर स्मार्ट टीवी हो जिसका प्राइस 20,000 से कम हो वैसा एक स्मार्ट टीवी के बारे में बता दो। और आज का ये वीडियो जब मैंने अपलोड किया तब संचारी मंची जी के तरफ से भी मेरे को ये पता चला कि उसको भी एक स्मार्ट टीवी खरीदना है। तो मैंने आप लोगों को बोला भी था वीडियो पे कि मैं कोशिश करूंगा कि आज इवनिंग पे नहीं तो संडे इवनिंग के अंदर मैं एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूंगा कि कौन सा टीवी हो सकता है 20,000 के अंडर पे एक स्मार्ट टीवी। तो आज हम वीडियो पे इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को आगे देखते रहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौमदीप नंदी, टेकमेंट के न्यू वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, ये जो टीवी है ये है एम आई के तरफ से एम आई एलईडी टीवी 4A प्रो 43 इंच का, जो इंडिया का एक स्मार्टेस्ट एंड्रॉयड टीवी है। तो इस टीवी पे हम लोग को क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोगों को जो मिल रहा है उसपे हम लोगों को मिल रहा है जो डिस्प्ले मिल रहा है, डिस्प्ले पे हम लोगों को मिल रहा है 1080p का फुल HD प्लस स्क्रीन विद पावरफुल 7th जनरेशन पिक्चर क्वालिटी इंजन। उसके साथ साथ हम लोगों को मिल रहा है 7 लाख प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट कंपेटेबल विद PatchWall 1TB। और इसके साथ साथ मिल जाता है हम लोगों को बिल्ट इन गूगल वॉइस का सपोर्ट। इस पे जो रिमोट है, वन रिमोट वन इंटरफेस ऑप्शन है जहां से आप एक स्मार्ट टीवी का मजा ले पाओगे। दोस्तों, अगर बात करते कनेक्टिविटी का, तो आप इस पे आपका जो फोन है उस फोन को भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब आप अपने फोन पे जो भी वीडियोस देख रहे हो उसको आप इस टीवी के साथ कनेक्ट करके आपका वो वीडियो आप टीवी पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ इसका अगर दोस्तों गूगल सर्विसेज का बात करें जो अवेलेबल है उस पर हम लोगों को मिल जाता है वॉइस सर्च, YouTube, Google Play, Chromecast, ये सब का सपोर्ट। दोस्तों, अगर साउंड का बात करें तो इस पे आपको 210 वाट का स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एक रिच साउंड मिल जाता है जो आपको काफ़ी अच्छा एक साउंड एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अगर प्रोसेसर का बात करें तो इस पे आपको 64 बिट का ऑक्टल प्रोसेसर मिल जाता है, 1GB रैम का सपोर्ट मिल जाता है, उसके साथ साथ 8GB इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाता है। दोस्तों, अगर कनेक्टिविटी का बात करें तो इस पे आपको जो कनेक्टिविटी मिलता है वो है आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी, उसके साथ साथ वेवी HDMI USB एंटेना ईयरफोन आउट, ये सारा चीज का कनेक्टिविटी एक साथ मिल जाता है। दोस्तों, उसके साथ साथ इस पे अगर ब्लूटूथ का बात करें तो हाँ दोस्तों, इस टीवी पे आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट भी मिल जाता है जहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लूटूथ 4.2 LE का सपोर्ट। उसके साथ साथ 2.4 GHz का वाईफाई का सपोर्ट भी इस टीवी पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, अगर इस पे माउंटिंग का बात करें तो इस पे आपको टेबल टॉप माउंटिंग, उसके साथ साथ वॉल माउंटिंग का भी ऑप्शन है। तो सारा चीज को मिला कि ये बहुत ही एक अच्छा टीवी है जो आप लोगों को वही 20,000 के आसपास मिल जाता है, जिसका प्राइस मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसका जो प्राइस है, जो ओरिजिनल प्राइस है वो 25,999 है, बट अभी इसका प्राइस जो है वो थोड़ा डाउन हो गया है, डाउन होकर प्राइस जो आया वो है 21,999 रुपीज। तो 20,000 जो अफोर्ड कर सकते हो और 2,000 देके मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग ये टीवी ले सकते हो जो 43 इंच पे काफी अच्छा एक प्राइस रेंज के ऊपर वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड करता है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन पे, नहीं तो स्क्रीन पे दिखाया गया इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को पिंग करके पूछ सकते हो। मैं हमेशा कोशिश करूंगा आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।